देश भर में आज दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। अभी हम गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला मैदान में है, जहां पर तुल्लामल रामलीला कमेटी, जिले की सबसे पुरानी रामलीला कमेटी द्वारा दशहरा मनाया जाता है। आप देखिए यहां पर ये कुछ भूसे पड़े हैं और पीछे मेरे ये विशालकाय तीनों पुतले रखे हुए हैं, जिनका शाम को दहन होगा। कारीगर इसमें पटाखा भरने का काम कर रहे हैं, शाम तक इन्हें खड़ा कर दिया जाएगा और फिर देर रात इन पुतलों का दहन किया जाता है। जब विशेष मेहमान आ जाते हैं, यहाँ पर रहने वाले सारे लोग आ जाते हैं, इसके लिए सुरक्षा दृष्टिकोण से भी काम किया जाता है। CCTV लगाए गए हैं और पुलिस की भी भारी तैनाती होती है। दशहरा जो है, विजयदशमी कहते हैं इसको, और बड़े उत्साह से सब जनता, जो धार्मिक प्रेमी लोग हैं, वो बड़े उत्साह से मनाते हैं। और गाजियाबाद में का ये चूँकि सबसे पुरानी रामलीला है, चारों तरफ से यहाँ पर लाखों आदमी आया करता था। अब क्योंकि और जगह भी होने लगी है तो थोड़ा घट गया, लेकिन फिर भी लोग आज, क्योंकि पुरानी रामलीला से जुड़े हुए हैं वो सब लोग, तो आस्था यही रखते हैं कि भाई हम दशहरे के दिन अपना इस तुल्लामल रामलीला मतलब प्रांगण में आए और दहन देखें। बात करें इन पुतलों की ऊंचाई की, तो क्या क्या इनकी ऊंचाई है अंदाजन? अंदाज़ा वही 60, 65 और 70 के आसपास ही रहती है। एक्चुअल तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अंदाज़ा यही रहता है कि भाई इतनी ऊंचाई है। हम ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं कर सकते, सरकारी एक वो भी है। क्या निर्धारित समय रहने वाला है आज दहन का? ये हमेशा ही, क्योंकि मेला भी लगता है, सारी चीज़ें, जल्दी तो हम दहन नहीं हो सकता, लेकिन हाँ 10:30-11 के बाद ही ये रहता है, इसी के दरमियान दहन होता है। साल से पटाखे बनाते भी हैं, भरते भी हैं, रावण भी बनाते हैं। क्या ध्यान रखते हैं आप लोग पटाखे भरते वक्त रावण के पुतलों में? रावण के पुतलों में आग का, पानी का ध्यान रखना पड़ता है। कोई बीड़ी सिगरेट वाला नहीं आया हमारे पास, उनका ध्यान रखना पड़ता है। अंदाजन कितने दर्जन या टन पटाखे भर जाते हैं इन तीनों पुतलों को मिला के? कम से कम एक पुतले में 2000 बम भरे जाते हैं पटाखे, 3 इंची के बम बोलते हैं, सुतली वाले रावण वाले बम, एक पर उसमें 2000-6000 लग जाए, 1000 लगे अब से पहले। तो ये बताइए, ऐसा क्या आप लोग करते हैं कि वो एक सीक्वेंस में एक सिरे से वो फटते चले जाते हैं? लगती है उनमें तार कनेक्शन होते हैं, वो एक के बाद एक गिलान की दूरी पे बांधे जाते हैं, इनके अंदर घुमा घुमा के कहीं कहीं के सीधे सीधे बांधे जाते हैं। कई बार ये देखा जाता है कि रावण के पुतले में आग ज्यादा लग गई या पहले कोई हिस्सा गिर गया जमीन पे, वो ऐसा हो जाता है ना, बंद कच्चा लग जाता है वो, तो उसकी वजह से हिस्सा गिर जाता है। वैसे आपके नहीं होएगा कोई ऐसी बात, आपके सारे सही चलेंगे, हिस्सा भी बढ़िया गिरा, उसकी भी कमी पड़ जाती है कभी कभार, तो यही बात है इसमें।